हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने DSLR को गिम्बल के साथ सेटअप करना चाहते हैं और गिम्बल्स के फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल जो वीडियोग्राफर होता है वो गिम्बल्स को कैसे यूज़ लेता है? और मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ मोजा मिनी 8 II गिम्बल्स के बारे में, इसके जो फंक्शंस और कैसे आप अपने DSLR को उस पर सेटअप कर सकते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताने लगा, कम टाइम में आप अपने कैमरे को गिम्बल से अटैच करके आप जल्दी से जल्दी अपना जो काम है वो फास्टली कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो हेलो गाइज, माय नेम इज अनिल एंड यू वाचिंग टेक अनिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो आने वाले ऐसे हर एक टेक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइज, बिना टाइम गए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्टेड। ये है मोजा मिनी A2 का बॉक्स और यहाँ पे हमें गिम्बल देखने को मिलता है, स्टैंड, एल ब्रैकेट, ये क्विक रिलीज बेस, क्विक रिलीज प्लेट, और इसके बाद में हमें अपने कैमरे को अटैच करने के लिए कॉइन की जरूरत पड़ेगी। तो ये ट्राईपोड है, यहाँ ध्यान रखें चारों तरफ आपको यहाँ पे लॉक बटन दिखेगा, यहाँ पे भी लॉक बटन है, यहाँ पे भी लॉक बटन है और एक यहाँ पे भी लॉक बटन है। फर्स्ट आपको इनको अनलॉक करना है। इससे पहले जान लीजिए, ये है टिल्ट एक्सेस, ये है रोल एक्सेस और ये है पैनल एक्सेस। तीनों जो मोटर हैं इनका अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले हम इस गिम्बल को कैमरे को सेट करने के लिए दोस्तों टिल्ट और रोल एक्सेस को एक बार अनलॉक करके आप एक बार इसको अप करके यहाँ से आप एक बार लॉक कर लीजिए। लॉक करने के बाद आप जो टिल्ट जो एक्सेस है वो स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद में ध्यान रखें स्लाइडिंग को माध्यम से आपको यहाँ पे अपने कैमरे को स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको एक रेड कलर का बटन दिखाई, इसमें लिखा हुआ है पुल, इसको आपको अपनी तरफ खींचना है। जैसे आप इसको अपनी तरफ खींचेंगे, अपने एल ब्रैकेट को जो टिल्ट रोल एक्सेस है उसमें सेट कर लें। आप जैसे ही इसको पुल करेंगे तो ये कैमरा ये भी स्लाइड हो रहा है। आप अगर बाहर निकालना चाहते हो तो इसको पुल करना है। जैसे पुल करेंगे तो ये आपका कैमरा बाहर निकल जाएगा। वापस आपको पुल करना है जिससे आपका जो कैमरा है एल जो ब्रैकेट है इसमें सेट हो जाए। जैसे सेट होने के बाद में आपको इस यहाँ पे स्क्रू है इसको टाइट कर देना है। ये वापस यहाँ से लॉक होगा, लॉक हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो पैनल जो एक्सेस है इसको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद में आपको अपने कैमरे को सेटल करना है। यहाँ से कैमरे को हल्का सा उठाना है और यहाँ पे सेंटर पे लेके आना है। वह कैमरा स्टेबल हो जाए, एक बार ऐसे सीधा हो जाए आप यहाँ पे देखेंगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो ये सेट स्टेबल रहेगा। इसके बाद में अब हम इसको रोल एक्सेस को अनलॉक करेंगे। जैसे हम अनलॉक करेंगे देखिए हमारा कैमरा है स्टेबल नहीं है, तो हम इसको स्टेबल करेंगे। पहले जिस तरह मूवमेंट हो रहा है उधर की तरफ आपको इसको अप डाउन करना है। अभी ज़्यादा राइट की तरफ हो रहा है तो हम इसको स्टेबल करेंगे थोड़ा सा वापस ऐसे। अभी तो हमारा कैमरा है वो स्टेबल हो चुका है। इसके बाद में आपको इसको लॉक करना है, को लॉक कर देना है यहाँ पे इस की को। ओके, तो हमारा कैमरा है वो सेटअप हो चुका है। अब हम जो है पैनल एक्सेस को सेट करेंगे। पैनल एक्सेस को सेट करने के लिए आपको अपने गिम्बल को उठाना है और उठा के यहाँ पे फर्स्ट पे ऐसे स्टेबल करने के लिए फर्स्ट आपको इस लॉक को अनलॉक करना है। ये जो लॉक है यहाँ पे इसको अनलॉक करके आप अपने कैमरे को ऐसे स्टेबल करें कि जो आपका टिल्ट रोल और पैनल एक्सेस और कैमरा है वो तीनों एक साथ अटैचमेंट। अभी जो हमारा आप यहाँ पे उठाएंगे तो अभी आपका जो गिम्बल का जो मोटर है वो पहले उठ रहा है, जबकि आपका कैमरा और गिम्बल एक साथ उठना चाहिए। कैमरा और तीनों ही मोटर्स एक सीध में होने के बाद आप अपने पैनल एक्सेल के स्क्रू को टाइट कर दें तो हमारा कैमरा स्टेबल हो गया। अब इसके बाद हम इस कैमरे को गिम्बल स्टैंड पे कर देंगे और अब इस हम पावर मोड को ऑन करेंगे, जिससे हमारा जो गिम्बल है वो ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका गिम्बल अगर ऑन होने के बाद में आपको यहाँ पे रेड बटन को प्रेस करके रखना है तो यहाँ पे आपका जो कैमरा मोड गिम्बल मोड और एडवांस आ जाता है। आपको नीचे प्रेस करना और एडवांस में जाना है और यहाँ से राइट क्लिक करना है। फिर यहाँ ऑटोमेटिकली है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह आपका जो गिम्बल है वो आपको कैमरे को मूवमेंट करेगा, स्टेबल आपका चेक करेगा कि आपका ने जो कैमरा गिम्बल के साथ अटैच किया वो सही पोजीशन में है या नहीं, वो चेक करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपनी जो डिस्प्ले के अंदर देख सकते हैं अभी हमारा जो गिम्बल हमने सेट किया है वो एकदम एक्यूरेट है। अगर इसको आप सेटअप करना चाहते हैं तो इसको मूवमेंट करेंगे, ऐसे मूवमेंट करके इसको 100 कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। टिल्ट रोल पैनल को इसको मोड को आप नीचे रोल में ये पैनल मोड है इनको चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ से बैक आ जाना है। आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बैक में आ जाएंगे वापस यहाँ पे फंक्शंस में। तो कुछ मेन फंक्शंस होते हैं अगर आप प्री वेडिंग वगैरह शूट कर रहे हैं तो इन पैनल का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ इन बटन्स और फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ।
दोस्तों अगर आपको अपने कैमरे को 180 और 360 डिग्री रोटेट करना है तो इस राइट बटन को 3 बार क्लिक करना है, 1 2 3। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपकी जो डिस्प्ले में यहाँ पे आप नॉर्मल 180 और 360 डिग्री है, अगर यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करेंगे तो आपका रोटेट होता रहेगा। स्टॉप करने के लिए 1 टैप करना है आपको, तो 2 बार अगर इसको टैप करना है तो आपका फ्रंट जो कैमरे का फ्रंट बटन होता है यहाँ पे आप देखेंगे इसको 2 बार टैप करेंगे तो सारा जो आपकी फंक्शन आपने छेड़ रखे हैं वो रिसेट हो जाए। 1 2 2 बार करेंगे तो ये फ्री मोड में जाएगा वापस। और इसके अलावा अगर आपको इसके रोल जो पैनल है इसको यूज़ लेना है ये कैसे काम करता है, ये आप यहाँ पे एफ फंक्शन देख रहे हैं, मैं 3 बार टैप करूँगा, 1 2 3। तो यहाँ पे आपको देखेंगे आपका जो मोड है वो चेंज हो गया। और अब मैं इसको अगर मूव करूँगा तो हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऊपर नीचे हो रहा है रोटेट के माध्यम से। ओके, अगर इसके फंक्शंस को चेंज करना है तो यहाँ पे इस बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो अभी ये राउंड शेप में आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। तो अभी आपका जो कैमरा है वो राउंड शेप में मूवमेंट हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे राउंड मूवमेंट में शेप हो रहा है। और इसके अलावा इसमें एक और मोड है, आप इस पे 1 क्लिक करेंगे तो आपका जो मोड है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अभी देखेंगे लेफ्ट राइट का मोड है, लेफ्ट राइट मोड यहाँ पे आप देखेंगे अभी ये लेफ्ट राइट, इसको ऑफ करने के लिए आपको वापस 3 बार टैप करना पड़ेगा, 1 2 3। तो यहाँ पे वापस F1 फंक्शंस हो इसके जाएगा। अलावा आप अपने गिम्बल को फ्री मोड में यूज़ लेना चाहते हो तो यहाँ पे इस जैसे आप गिम्बल अभी देख सकते हैं यूज़ लेना, तो आपको टिल्ट एक्सेस और रोल एक्सेस को लॉक कर देना और पैनल एक्सेस को क्यू पे कर देना है, जिससे आपका गिम्बल है वो फ्री मोड में हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने गिम्बल्स को मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये कुछ फंक्शन और सेटिंग्स। इसके अलावा जैसे आपने इसको कनेक्ट किया वैसे ही आप इसको अपने कैमरे को गिम्बल से हटा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो की मदद से आप अपने DSLR या फिर मिरर कैमरा को इस मोजा मिनी A2 जो सीरीज़ के जो गिम्बल्स आते हैं उसके आप इजी कनेक्ट कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है तो वीडियो के कमेंट में या फिर आप मेरे इंस्टा ID को फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ पर जरूर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।